नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन पूर्व भारतीय पेसर इरफान पठान को लगता है कि अजिंक्य रहाणे की बजाय हिटमैन रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। बताते इरफान पठान का मानना है कि अजिंक्य रहाणे से कहीं ज्यादा अनुभवी रोहित शर्मा को विराट कोहली की अनुपस्थिति में टीम की अगुवाई करनी चाहिए, जो टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच में खेलने के बाद उपलब्ध नहीं होंगे। आपको बता दें, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को पहले टेस्ट के बाद पैटर्निटी लीव प्रदान किया गया है, यानी पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली पिता बन सकते हैं, इस वजह से उन्हें छुट्टी दी गई है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में होगी, लेकिन इरफान पठान को लगता है कि उनकी बजाय टीम की कमान रोहित शर्मा को दी जाए। इरफान पठान ने कहा, विराट के वहां मौजूद न रहने से टीम पर काफी प्रभाव पड़ेगा, इससे सीरीज में निश्चित तौर पर बड़ा अंतर पैदा होगा और किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए विराट की जगह लेना भी मुश्किल है, लेकिन आपको उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें क्रिकेट के बाहर की जिंदगी को स्वीकार करना चाहिए, परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है। विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी करनी चाहिए और वो साबित कर चुके हैं कि उनके पास जरूरी अनुभव भी है। बताते चले, फिलहाल टेस्ट टीम में अजिंक्य रहाणे उपकप्तान है। रोहित ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए उसे 4 बार चैंपियन बनाया है। इसके अलावा उन्होंने सीमित ओवरों में टीम इंडिया को निधास ट्रॉफी और एशिया कप जैसी 2 बड़ी ट्रॉफियां दिलाई है। टीम इंडिया के पूर्व पेसर इरफान पठान ने आगे इस बात पर जोर दिया कि विराट कोहली की गैरहाजिरी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को काफी खुशी होगी। उन्होंने कहा, विराट के नहीं होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी सहज महसूस करेगी, लेकिन हमें शानदार गेंदबाजी मिली है और अगर हमारे बल्लेबाज काम कर सकते हैं तो ये एक दिलचस्प सीरीज होगी। बताते चले कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 3 T20 मैचों की सीरीज होगी। 18 अक्टूबर से एडिलेड में दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।